चलिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिसेस का 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में ए इक्वल्स टू दिस मच और आपको बताना है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड राइट द एलिमेंट दिस. तो ऑर्डर हमें कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले हम कॉलम लिखते हैं सॉरी सबसे पहले हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ रोज कि कितने रोज हैं इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक तो अब क्या होता है कॉलम वो देख लो. मैं कॉलम को दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा इजीली. तो ये देखो मैं ऑरेंज से डिनोट कर देता हूं ये रहा आपका कॉलम. ठीक है तो अब इसमें हम रोज देखें तो कौन कौन से रो होते हैं वो जान लो. ये है आपका रो ये है आपका 35 वाला रो. तो रोज कौन कौन से फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो. और अगर कॉलम की बात करें तो देखो कॉलम कौन सा आएगा ये वाला कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम. तो अब कितने रोज हैं इसमें 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं 4 कॉलम्स हैं. ठीक तो इसका जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा 3x4. तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करो तो नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए जो आपका ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है सिंपली. तो 3x4 कितना हो जाएगा 3x4 इक्वल्स टू 12. तो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट डायरेक्टली 12 हो जाएगा. अब हमें क्या बताना है कि राइट द एलिमेंट्स a13 a21 a33 a24 एंड a23. अभी हमने दो आंसर निकाल लिए. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3x4 और सेकंड हमारा था नंबर ऑफ एलिमेंट इज 12 और अब हम थर्ड निकालेंगे कि राइट द एलिमेंट्स. तो अब एलिमेंट्स को मैं मार्क करते जाऊंगा देख लेना. a13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम. तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आ जाएगा आंसर 19. देखो इधर 19 है. सेकंड a21 आपको बताना है a21 अगर आपको बताना है देखो क्या आएगा सेकंड रो और फर्स्ट 35. a33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम -5. a24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12. देखो ये भी आ गया. a23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2. तो ये था हमारा 1, 2, 3 इस क्वेश्चन का. तो सिर्फ इतना ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन के लिए करना है. थैंक यू.